नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या बज में। और आज आपको मैं बताऊंगा जो IPL का पहला मैच अभी होने वाला है, ये एक्चुअली पहला मैच नहीं है, ये बीच का मैच है। अभी जो IPL जो स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल 2021 में, उसी का बचा हुआ आधा जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट पहले हो चुका है, सभी टीमें लगभग हाफ हाफ अपना खेल चुकी हैं, तो ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो वही आपको इसलिए मैंने बोला कि जो पहला मैच है अभी फिर से जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला मैच है, मुंबई और चेन्नई के बीच होगा और दोनों टीमें तैयार हैं। कल ये मैच शाम में खेला जाएगा, उसके लिए मैं हेड टू हेड और 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर के लिए मैं टीम बताऊंगा। आपको टीम बताने के पहले मैं कुछ स्टेट दिखा दूंगा जिससे आप लोग खुद से भी टीम बना सकते हो, और आप लोग वीडियो देख लोगे तो एक मतलब अच्छा आप लोग को अनुभव हो जाएगा, जिससे कि आप लोग खुद से भी टीम बनाओ, अगर बनाना चाहो तो आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लोग बने रहना और वीडियो क्लास तक। और मैंने बताया कि आप लोग को एक चीज़ और कि इस वीडियो में गिव अवे है, आप लोग को तैयार रहना है। तो वीडियो जब पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, हो सकता है क्वेश्चन मैं बीच में भी पूछ सकता हूँ और लास्ट में भी, तो आप लोग को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में आपको हर चीज़ें बताई जाती हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन और जो भी चॉइस हैं, किसके जगह पर किसको लेना है नहीं लेना है, ये सब सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देर नहीं करते हुए इस तरह से कुछ अभी जो अगर इस तरह से हम लोग बात करें, अगर मुंबई और चेन्नई के बीच जो कल मैच होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग को इसके पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो भी फाइनल अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और जो फाइनल टीम प्रोवाइड कराई जाती है टॉस के बाद, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि टॉस के बाद ही जो फाइनल टीम होती है वो आती है, क्योंकि टॉस के पहले हम लोग को एक मतलब संभावित पता होता है कि ये लोग खेलेंगे, लेकिन उसमें एक दो चेंजिंग संभव होती है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ @SuryaBazLM लिखो, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। हज़ारों लोग कमा रहे हैं, डेली फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी जल्दी से जुड़ जाओ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेन्यू की। तो ये 19 सितंबर को 2021 दुबई में मैच होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और उसके बाद ये CSK MI के बीच जो मैच है। पिच बिहेवियर की बात करें तो बैटिंग पिच है, और यहाँ पर एवरेज स्कोर 154 का रहता है, टेम्परेचर 36 डिग्री के आसपास रहने वाला है, थोड़ी सी आपको गर्मी दिखेगी। और जो टॉस के बारे में अगर बात करें तो जो टीम टॉस पहले जीतती है वो बॉलिंग करना पसंद करती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ का जो पिचेस हैं और यहाँ का जो फील्ड होता है, आपको मैच अभी जब जैसे जैसे मैच स्टार्ट होगा तो बैट्समैन को थोड़ा बेनिफिट होता है और पेसर्स को थोड़ा मदद होता है, स्पिनर्स को थोड़ा कम मदद होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच अधिक से अधिक मैच होंगे यहाँ पर बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और स्पिनर को भी गेम में आते हैं स्पिनर भी, तो और बाद में थोड़ी सी बैटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। अभी देखिए उसके बाद अगर बात करें लास्ट 3 मैच इन लोगों का देखा जाए दोनों टीमों का, तो MI 2 मैच जीता है, CSK 1। MI का पड़ा थोड़ा सा भारी होता है चेन्नई के सामने। और उसके बाद बात करें हम लोग प्लेयर्स बैटल की, रोहित शर्मा जो हैं वो ब्रावो और दीपक चहर के आगे थोड़े से मतलब नर्वस नज़र आते हैं। दीपक चहर आपको पता होगा दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग, तो उनके सामने थोड़े से फंसे फंसे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना पाएंगे, रन भी उन्होंने बनाया है, लेकिन थोड़े से परेशान भी करते हैं और उनको 2 बार आउट भी कर चुके हैं, और ब्रावो से 5 बार रोहित शर्मा आउट हुए। डिकॉक की बात करें प्लेयर्स बैटल में, ये देखो बहुत ही ज़रूरी होता है, आप लोग को ये पता होगा अगर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों की टीम अगर बना रहे होगे तो आप लोग को इसमें बेनिफिट मिलता है। डिकॉक की बात करें तो दीपक चहर ने 2 बार आउट किया है, ताहिर ने 2 बार आउट किया है, ब्रावो 2 बार आउट किया है, सूर्य कुमार यादव को जडेजा ने 3 बार आउट किया है। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो जडेजा के आगे थोड़े से फंसते हुए नज़र आते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। और उसके बाद पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड भी जडेजा 3 बार आउट किए हैं, ब्रावो 10 बार आउट किए हैं उनको, पोलार्ड को, ताहिर 3 बार, डुप्लेसिस को बोल्ट 2 बार आउट किए हैं। देखो डुप्लेसिस का थोड़ा सा इस गेम में खेलना मुश्किल है, दो प्लेयर का थोड़ा सैम करन और डुप्लेसिस हो सकता है इस गेम में ना खेलें। सुरेश रैना को बुमराह ने 2 बार आउट किया है, पोलार्ड ने 3 बार आउट किया है। MS धोनी की बात करें तो इनकी बैटिंग काफ़ी लेट आती है, 7वें नंबर पे आते हैं, फिर भी अगर आ गए तो देख लो, बोल्ट 2 बार इनको आउट किए हैं, बुमराह 3 बार, पोलार्ड 3 बार, ये तीनों के सामने ये थोड़े फंसते नज़र आते हैं। उसके बाद मुंबई की बात करें हम लोग, तो मुंबई में देखो क्या है कि
ये मुंबई अभी तक जो मैंने बताया कि हाफ हो चुका है, हाफ फिर से स्टार्ट हो रहा है COVID-19 की वजह से, तो ये 7 मैच मुंबई खेल चुकी है, 4 मैच जीती है, 3 हारी है। अगर इनके प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा, डिकॉक, सूर्य कुमार यादव ये इनके मेन प्लेयर होते हैं। इन सबका आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हो, अगर मैं सबका बताने लगूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद से इनका देख लेना। मैं जो मेन बता देता हूँ, रोहित शर्मा, डिकॉक, सूर्य कुमार यादव इनके मेन प्लेयर हैं। ईशान किशन का नंबर अभी फिक्स नहीं है किस नंबर पर आएंगे, उस तो अगर आते हैं तो उनको मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद बीच में अगर हम लोग पुलाड और हार्दिक आपको ऑलराउंडर हो जाएंगे, कुणाल पांड्या लगातार आपको एक दो विकेट निकाल के देते हैं और इनकी बैटिंग आती है तो रन भी बना के देते हैं। उसके बाद मेन अगर बॉलर की बात करें तो मेन बॉलर इनके बोल्ट, राहुल चहर, बुमराह ये तीनों इनके मेन बॉलर हैं। अगर कुल्टर नाइल खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। कुल्टर नाइल को आप लोग ग्रैंड लीग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जो ग्रैंड लीग का वीडियो बनाया है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हो, ग्रैंड लीग में किसको लेना है किसको नहीं लेना है मैंने सारा चीज़ बता दिया है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दे सकते हो। उसके बाद देखो आदित्य तारे खेलेंगे नहीं, और भी जो कुछ नया न्यूज आएगा मैं बता दूंगा। ओपन और डेथ बॉलिंग मुंबई की तरफ से आपको राहुल चहर से कभी कभी शुरुआत करा दिया जाता है, बुमराह, बोल्ट, पोलार्ड ये इनके मेन डेथ बॉलर हैं। पोलार्ड से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ओवर फेंकवाए जाते, मतलब उनके कोटे के पूरे ओवर फेंकवाए जाते हैं, लेकिन बोल्ट और बुमराह का फिक्स है कि ये डेथ में आएंगे ही। तो ये चीज़ प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको मैं बता दूंगा, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इनमें कुछ चेंजिंग होगा तो कल मैं बता दूंगा। उसके बाद चेन्नई की बात करें तो देखो चेन्नई अभी तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेली है और 5 मैच जीती है, 2 मैच सिर्फ हारी है, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें इनके प्लेयर्स की, तो मेन प्लेयर्स की अगर बात करें तो डुप्लेसिस का खेलना थोड़ा मुश्किल है, रायडू, रैना, गायकवाड़ पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा इन्होंने खेल दिखाया अपना और अच्छी खासी बैटिंग भी कर ले रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, तो इनको आप लोग हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हो। तो मेन प्लेयर की अगर बात करें तो डुप्लेसिस, रायडू, रैना, गायकवाड़, और ऑलराउंडर की बात करें तो जडेजा, सैम करन अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छे पिक होते हैं, लेकिन इनका खेलना मुश्किल है, पहले मैच में शायद नहीं खेलेंगे। ब्रावो एक अच्छे पिक हो सकते हैं, अगर सैम करन नहीं खेलते हैं तो इनके जगह पर पक्का ब्रावो खेलेंगे। अगर बॉलर की बात करें तो मोइन अली, एंगड़ी, दीपक चहर ये इनके मेन बॉलर हैं, सरदुल ठाकुर। आप सबका देख सकते हो पिछले 7 मैच में किसने क्या किया है, सबका मैंने लिख दिया है। अगर ओपन और डेथ बॉलिंग की बात करें तो दीपक चहर ओपन अक्सर करते हैं, सैम करन अगर खेलते हैं तो उनसे भी ओपन करा लिया जाता है, मतलब टॉप 5-6 ओवर के पहले इन लोगों से बॉलिंग कराई जाती है। इनकी जो डेथ बॉलिंग है तो दीपक चहर का ओवर पहले ही ख़त्म करा दिया जाता है, बहुत कम ही ऐसा चांस होता है जब दीपक चहर डेथ में आते हैं, तो सैम करन का कुछ ओवर बचा रहता है तो ये भी डेथ में फेंक देते हैं कभी कभी। तो सरदुल ठाकुर, एंगड़ी ये सब इनके डेथ बॉलर हैं, अगर आप लोग देख सकते हो फिर प्लेइंग 11। उसके बाद देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हेड टू हेड में हम लोग अच्छे कैप्टन ढूंढ रहे हैं तो सबसे अच्छे कैप्टन मेरे हिसाब से मोइन अली होंगे, क्योंकि मोइन अली का देखो क्या है कि उनको तीसरे नंबर पर बैटिंग कराया जाता है चेन्नई में, और अपने कोटे के पूरे ओवर अगर अच्छी लाइन पकड़ के करते हैं तो उनसे पूरे ओवर करा लिए जाते हैं, अगर एक भी विकेट निकाल लिए और 30-40 रन बना दिए तो हम लोग का काम कर जाएंगे, इसलिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग बात करें वाइस कैप्टन के, तो डिकॉक को बना सकते हो आप लोग, क्योंकि डिकॉक देखो ओपन करते हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, अभी रिसेंट उनका फॉर्म भी काफ़ी अच्छा था अपनी टीम से खेल रहे थे तो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये अपने विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर देख रहे हो तो रोहित शर्मा है, सैम करन अगर खेलते हैं तो अच्छे ऑप्शन है, नहीं खेलते हैं तो इनको। और ग्रैंड लीग का मैंने ग्रैंड लीग के वीडियो में बना दिया, अगर बता दिया था कि ग्रैंड लीग के कौन कौन से पिक्स हैं, अगर आप लोग वहाँ नहीं देखे होंगे तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं किसको आप लोग ले सकते हो, और नहीं तो ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग मेरा ग्रैंड लीग का वीडियो जाके वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ग्रैंड लीग पिक्स भी, किसको किसको ग्रैंड लीग में लेना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था, तो ये हो गए आपको। और उसके बाद हम लोग टीम बात करते हैं, टीम कुछ इस तरह से बन रही है यहाँ पे, अभी मैंने डिकॉक को यहाँ किया, महेंद्र सिंह धोनी को देखो हेड टू हेड में लेने का कोई मतलब नहीं होता, कभी कभार आ जाते हैं 4-5 नंबर पर, लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होता है 10 में एक बार, तो ये हेड टू हेड के लिए अच्छा ऑप्शन है। ईशान किशन अगर इनका नंबर मतलब टॉप 4 में अगर ये आते हैं बैटिंग करने तो ये एक अच्छे पिक हैं, उसके बाद और कोई खेलेगा नहीं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर बैट्समैन के, तो रोहित शर्मा, डुप्लेसिस अगर थोड़ा सा इन पे डाउट है, अगर खेलते हैं तो मैं इनको ज़रूर लेने की कोशिश करूंगा।
और उसके बाद देखो सूर्य कुमार यादव एक रिलायबल बैट्समैन मुंबई की तरफ से लगातार अच्छा कंसिस्टेंट रन बनाते हैं। और उसके बाद रायडू देखो मैंने बताया था ग्रैंड लीग वाले वीडियो में कि रायडू जो है पिछला जो अपना मैच खेले थे ख़त्म होने के आईपीएल बंद होने के पहले वो 70-75 रन की काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली थी और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं भी, मतलब ये आईपीएल में जब भी इनको मौका मिलता है काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छा खासा रन भी बनाते हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हो। उसके बाद गायकवाड़ देखो लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे थे पिछले सीजन में, तो गायकवाड़ को ले सकते हो, और नहीं तो अगर एक्सचेंज करना है आपको तो गायकवाड़ की जगह पे यहाँ पे रैना को रख सकते हैं, क्योंकि रैना आपको 3 से 4 नंबर पे आएंगे खेलने और अच्छा खासा रन आपको बना सकते हैं। शायद 3 नंबर पे रैना को भेजा जाएगा, तो इसे रैना को भी आप देख सकते हो। अभी मैं गायकवाड़ के साथ जा रहा हूँ। उथप्पा खेलते हैं तो उथप्पा ठीक ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। पुजारा खेलेंगे नहीं, सौरभ तिवारी खेलेंगे नहीं, हरी निशांत खेलेंगे नहीं। उसके बाद देखो हम लोग ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में जडेजा और मोइन अली सबसे अच्छे पिक्स हैं, क्योंकि जडेजा आपको अपने टीम की तरफ से पूरे ओवर की गेंदबाजी करते हैं और धोनी इनको पता है ब्रावो से भी ऊपर भेजते हैं, तो अपने से भी ऊपर भेजते हैं, तो इनकी बैटिंग काफ़ी श्योर मतलब रहती है कि ये बैटिंग भी करने आते हैं, तो आप लोग को बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और 1 या 2 विकेट निकाल लिया तो आप लोग को। मोइन अली का मैंने बता दिया 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे, पूरे ओवर की बॉलिंग करेंगे। सैम करन का खेलना मुश्किल है मैं बता चुका हूँ, तो जिमी निसम खेलते हैं मुंबई की तरफ से, तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग भी करते हैं तो इनको हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हो, अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो ग्रैंड लीग में यूज़ करना है इसको। कुणाल पांड्या ग्रैंड लीग में। और बॉलर की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट बुमराह मैंने दोनों स्पेशलिस्ट बॉलर को मुंबई की तरफ से जो स्पेशलिस्ट हैं दोनों को मैंने रखा है। ब्रावो को मैंने इसलिए रखा है कि ब्रावो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों, ये बैटिंग इनकी काफ़ी अच्छी तो है ही, अभी रिसेंट CPL का जो फॉर्म था इनका काफ़ी अच्छा चला, वहाँ पे मैं जिताऊ पारियाँ भी खेली कई ठो, तो उसके बेस पे मैंने इनको पिक किया। और बॉलिंग काफ़ी अच्छा, डेथ में भी बॉलिंग अच्छा खासा यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग इनको इसलिए ये टीम में मेरी जगह बने। उसके बाद देखो मिलने खेलेंगे नहीं, हेजलवुड खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो। दीपक चहर का देखो मैंने इसलिए ड्रॉप किया, दीपक चहर के जगह पे मैंने ब्रावो को लिया है। दीपक चहर का क्या होता है ना कि शुरू के जो 6-7 ओवर होते हैं उनमें ही उनका मैक्सिमम 90% ओवर ख़त्म करा दिए जाते हैं, मतलब 4 ओवर फेंका जाता है तो लगभग 3 ओवर इनके 6-7 ओवर के पहले ही। और आपको पता ही है कि दूसरी अगर टीम है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई की टीम है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डिकॉक ऐसे बैट्समैन के सामने अगर फेंकते हैं तो शायद ही वो लोग मतलब इतनी इजीली अपना विकेट फेंक के जाएं, तो इसलिए मैंने इनको ड्रॉप किया। अगर एकाध विकेट मिल जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने ड्रॉप किया कि इनके ओवर जो हैं पावर प्ले में ही अधिकतर ख़त्म करा देते हैं धोनी, डेथ में अगर आते तो मैं इनको ज़रूर लेता। शार्दुल ठाकुर को ट्राई कर सकते हो, डेथ में आएंगे। और राहुल चहर आपको काफ़ी अच्छे, बहुत बड़ा नाम नहीं है राहुल चहर का, लेकिन आपको आप इनका अगर डाटा उठा के देखेंगे तो हर मैच में 1 विकेट 2 विकेट अक्सर मतलब निकाल ही लेते हैं, इसलिए ये विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। धवल कुलकर्णी अगर खेलते हैं तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर टीम की बात करें तो टीम मेरी कुछ इस तरह से बन रही है, अभी फ़िलहाल में मेरे कैप्टन मोइन अली हैं, वाइस कैप्टन डिकॉक हैं, और तीसरा अगर वाइस कैप्टन देख रहे हो तो रोहित शर्मा एक अच्छे पिक हैं। देखो रोहित शर्मा थोड़ा सा फंसते हैं दीपक चहर के अगेंस्ट, इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन से थोड़ा सा बच रहा हूँ, आप लोग चाहो तो बना सकते हो अगर रिस्क लेना है तो। डिकॉक के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि आपको विकेट कीपिंग से भी अगर कैच रन आउट स्टंप करते हैं तो उससे भी पॉइंट मिलेगा और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं, इसलिए मैं। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो सूर्य कुमार यादव भी एक डिफरेंशियल वाइस कैप्टन हो सकते हैं। बाकी आप इस तरह टीम से अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा और आप लोग वहां से जुड़ जाना, अगर फिर नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, वहां से आप लोग क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। हज़ारों लोग खेल के फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी फ़ायदा उठाओ। और ऐसे ही आप लोग को सारे IPL की टीमें आती रहेंगी और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टीम देता हूँ टेलीग्राम पे, बाकी और लोग प्राइम टीम देते हैं, पैसे लेकर टीम देते हैं, और हमारी टीम ऐसी नहीं कि कुछ नहीं करती, आप लोग जाकर देख सकते हो टेलीग्राम पे हिस्ट्री, अभी हम लोग भी काफ़ी अच्छा विन करते हैं और काफ़ी अच्छी टीम हमारी परफॉर्म करती है ड्रीम इलेवन में भी, जहाँ की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और माई फैम में तो हम लोग कभी कभी पूरे लीग ही जीत जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना और सपोर्ट बनाए रखना, अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी भी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा आगे भी वीडियो बनाने का थोड़ा सा हौसला बनता है। तो अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।